सो तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त मेरा मैसेजेस आ रहे कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है हमने। तो आज फ्राइडे है, सबको जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे भी दुआ में याद रखना, मेरे लिए भी दुआ करना। तो यार, मेरिट लिस्ट मतलब आलमोस्ट जब लगेगी, आपको पता ही होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगनी है। तो जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने क्या करना है, www.sargodayuniversity.com लिखना है, .pk, या ये नहीं लिखते तो या डायरेक्ट ये देख देना www.us.com.pk। तो जब आप ये लिखोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाओगे। तो जब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप चले जाओगे ना, उसके बाद वहाँ हर चीज़ शो हो रही होगी, आपको मेरिट लिस्ट शो हो रही होंगी, आप फीस स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, आपको एडमिशन शो हो रहे होंगे, इवन हर चीज़ जो आपको शो हो रही होगी। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। करना क्या है, जस्ट www.uos.com.pk.edu पे अगर साथ लिख देना वो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाएंगे। जब आप यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाओगे तो उसके बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा मेरिट लिस्ट का। तो उन मेरिट लिस्ट को आपने ओपन करना है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई कर रखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने BS फिज़िक्स में अप्लाई किया है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा कि BS फिज़िक्स की मेरिट लिस्ट। BS इंग्लिश में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर ऑप्शन होगा BS इंग्लिश। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर ऑप्शन होगा इंजीनियरिंग की मेरिट लिस्ट। तो फिर आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया होगा, आपने उस वाले डिपार्टमेंट को देन क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप सिलेक्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर आप लोग अपनी मेरिट लिस्टों को चेक कर सकोगे। तो हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग से लिस्टें लगेंगी। पहली तीन लिस्टें जो होंगी वो मॉर्निंग की लगेंगी, और जो लास्ट तीन लिस्टें होंगी वो लगेंगी इवनिंग की। ये सीन होगा, यानी कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। जब भी लिस्ट लगेगी, आपको पता है 7 को पहली लिस्ट लगनी है मॉर्निंग। तो जब लिस्ट लगे देन आपने क्या करना है, वहाँ पर जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है, पहली लिस्ट 7 को लगनी है, तो आपने उसी दिन ही www.us.com वगैरह लिख के ना अपने मार्क्स चेक कर लेने, अपना नाम चेक कर लेना है। वहाँ पर क्या होगा कि आपकी हर चीज़ आ जाएगी कि आपने इस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, आपके ये मार्क्स थे, FSC के, आपके फादर का ये नेम है, आपका ये नेम है, आपके डिपार्टमेंट की फ़ीस इतना है, जितना होगी 30,000 है, 40,000 है। तो वो काइंडली आप आएँ, अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं, और जो है आपका एडमिशन हो गया है। देन क्या होगा, उसके बाद आप जब एडमिशन करवा लोगे ना, तो उसके बाद आपकी कुछ दिन बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू GR, उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या आपको मैसेज आएगा कि आपकी इस दिन जो है क्लासेस हैं। देन आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आप इसी तरह सरगोधा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाओगे। ये सारा प्रोसेस है, बाकी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस वगैरह कोई नहीं है। मेरिट लिस्ट आप खुद भी चेक कर सकते हो, मोबाइल पर, लैपटॉप पर भी चेक कर सकते हो। लैपटॉप पर आप लोग अगर चेक नहीं कर सकते तो आप लोग इवन किसी कंप्यूटर शॉप पर चले जाओ ना, तो आप लोग वहाँ पर भी अपनी मेरिट लिस्ट को आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। परेशान नहीं हो ना, इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। तो होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। भाई पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्टें कैसे चेक करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर है, इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग परेशान ना हुआ करें छोटी छोटी बातों में। बाकी काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी आपके लिए, जुड़े रहें इंशाल्लाह, आपके लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, और मैं क्लासेस ले लूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।